नमस्कार मित्रों, मैं कालू शर्मा जनता पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मंथरा रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है, कदाचित सबसे घृणित। घृणित इसलिए क्योंकि उसी के कहने पर कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं 14 वर्षों के वनवास के कारण पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्ति मिली। यही कारण है कि रामायण के कुछ संस्करण कैकेयी और मंथरा को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं। मंथरा कुबड़ी थी और संस्कृत में मंथरा का अर्थ होता है कुबड़ा, इसी कारण उसे यह नाम मिला होगा। वह राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी की धाय थी और विवाह के पश्चात कैकेयी के साथ वे भी अयोध्या आ गई थी। कैकेयी को पालने पोसने के कारण उसका प्रभाव कैकेयी पर बहुत था। रामायण में कई जगह इस बात का वर्णन है जब कैकेयी मंथरा को उसके बड़बोलेपन पर डांटती है और कहती है कि तुम इतनी बातें मुझसे केवल इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी माता के समान हो। विशेषकर जब मंथरा कैकेयी को राम के विरुद्ध भड़काती है तो इसी प्रकार के वार्तालाप का वर्णन आता है। रामायण में मंथरा का वर्णन एक ऐसी वाक चतुर नारी के रूप में किया गया है जो तर्क वितर्क में अत्यंत निपुण है और अपनी युक्तिपूर्ण बातों से वह किसी को भी अपनी बात मनवा सकती है। रामायण के कुछ संस्करणों में ऐसा वर्णन भी दिया गया है कि जब महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लेते हैं तो सभी देवता भगवान श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राम के राजा बनने के बाद आपके इस अवतार का उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा, अतः आप इस विषय पर कुछ करें। इस पर भगवान विष्णु ये कहते हैं कि धरती के वे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनके इस प्रकार बोलने पर सभी देवता महादेवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सहायता करें। देवताओं के अनुरोध पर स्वयं माता सरस्वती मंथरा के मुख से श्री राम के वनवास की परियोजना बनवाती है। ये भी कहा जाता है कि मंथरा को पहले से यह अंदेशा था कि महाराज दशरथ राम को राजा बना सकते हैं, इसी कारण वो पहले ही कैकेयी देश के राजा और कैकेयी के पिता अश्वपति से कहकर भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल बुलवा लेती है ताकि दोनों को उनकी योजना का कोई भान न रहे। रामायण के तेलुगु संस्करण श्री रंगनाथा रामायण के बाल कांड में इस बात का वर्णन है कि एक बार चारों भाई खेल रहे होते हैं और मंथरा गेंद दूर फेंक देती है। इससे क्रोधित होकर श्री राम अपनी छड़ी से मंथरा के घुटनों पर प्रहार करते हैं जिससे उसका घुटना टूट जाता है। मंथरा रोते हुए यह बात कैकेयी को बतलाती है और कैकेयी के कहने पर ही महाराज दशरथ चारों भाइयों को गुरुकुल भेज देते हैं ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके और वे कभी इस प्रकार की भूल ना करें। इसी घटना के कारण मंथरा सदैव श्री राम से क्रोधित रहती है और मौका देखती रहती है कि कब वो श्री राम से इस बात का प्रतिशोध ले सके। श्री राम के राज्याभिषेक में उसे एक मौका मिलता है और वो राम को वनवास भिजवाने का प्रयास करती है और अंततः उसमें सफल भी होती है। एक अन्य कथा के अनुसार कैकेयी अपने पुत्र भरत से अधिक श्री राम से प्रेम करती है और उसी के साथ अधिक समय बिताती है। इस कारण मंथरा सदैव श्री राम से ईर्ष्या करती है। एक जगह इस बात का भी वर्णन है कि मंथरा भरत को भी राम के प्रति भड़काने का प्रयास करती है किंतु भरत उसे डांटकर चुप करा देते हैं। जब श्री राम के राजा बनने की घोषणा होती है तो मंथरा कैकेयी के पास जाकर कहती है कि हे भोली रानी, तुम यहाँ बैठी हो जबकि वहां तुम्हारे पुत्र पर संकट आन पड़ा है। कैकेयी घबरा कर पूछती है कि किस प्रकार का संकट। इस पर मंथरा कहती है कि महाराज ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया है। यह सुनकर कैकेयी अपना अमूल्य हीरों का हार उसे देते हुए प्रसन्नता पूर्वक कहती है, इसमें संकट कैसा, राम ज्येष्ठ पुत्र है और राज सिंहासन के लिए सर्वथा योग्य है, उसके राजा बनने पर अयोध्या का कल्याण ही होगा। तब मंथरा कैकेयी के दिए हार को फेंक देती है और कहती है, कदाचित तू अपने अपमान को भूल गई है किंतु मैं वो नहीं भूल सकती कि किस प्रकार एक वृद्ध राजा ने तेरे पिता को विवश किया ताकि वे तेरा विवाह उनसे कर सकें, अन्यथा तुझमें और उनमें क्या मेल। और तू ये भी ना भूल कि जिसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठता है राज्य में केवल उसी की माँ सर्वोपरि होती है। महाराज आज तक तेरी सुंदरता के लिए तुझसे सबसे अधिक प्रेम करते रहे लेकिन राम के राज्य संभालते ही तेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, फिर तू मेरे समान एक साधारण दासी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह पाएगी।
और तो और राम अपना राज्य निष्कंटक बनाने के कारण भरत का वध भी करवा देगा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर तेरी भी हत्या हो जाए या तुझे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया जाए। मंथरा द्वारा बार बार भड़काने पर अंततः कैकेयी की मति भ्रष्ट हो जाती है। वे मंथरा से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। तब मंथरा कहती है कि वह कोप भवन में चली जाए और जब राजा उसे मनाने आए तो उनसे वो दो वरदान मांग ले जिसे देने का वचन उन्होंने उसे दिया था। पहले वचन में भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, ताकि राम भरत के राजा बनने के बाद कोई व्यवधान पैदा न कर सके। श्री राम के वनवास चले जाने के बाद मंथरा का विवरण एक बार और आता है, जब भरत और शत्रुघ्न वापस आते हैं और उन्हें श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास का समाचार मिलता है। वे अत्यंत क्रोधित होते हैं और तभी उनकी नजर मंथरा पर पड़ती है, जो कैकेयी द्वारा दिए गए आभूषणों को पहनकर महल में इधर उधर विचरण कर रही होती है। उसे देखते ही शत्रुघ्न क्रोधित हो उसे मारने को उद्यत हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए मंथरा भरत से प्रार्थना करती है और भरत उसकी रक्षा शत्रुघ्न से करते हैं। वे कहते हैं कि अगर भैया राम को यह पता चला कि तुमने एक स्त्री की हत्या कर दी है तो वे अत्यंत दुखी होंगे और हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि बाद में जब कैकेयी का हृदय परिवर्तन होता है तो मंथरा सबके लिए त्याग दी जाती है। वो राजभवन में ही एकाकी जीवन व्यतीत करती है। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है कि वनवास के पश्चात जब श्रीराम वापस आते हैं तो वे सबसे पहले मंथरा से मिलते हैं और उसे धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण उन्हें वनवास मिला और रावण जैसे पापी का नाश हुआ। कंब रामायण में यह वर्णित है कि मंथरा को कारागार में डाल दिया जाता है और राम वनवास के पश्चात उसे वहां से मुक्त करवाते हैं। कई विचारकों का यह मानना है कि कैकेयी और मंथरा का कार्य बुरा होते हुए भी समाज के हित में था, क्योंकि उन्हीं के कारण श्रीराम वन जा पाए और अपने अवतार के वास्तविक कार्य को कर पाए। जब तक वे राजभवन में थे वे एक राजकुमार थे, किंतु वन जाने के बाद ही वे भगवान बने। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मंथरा पर एक विस्तृत लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्मसंसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।